के अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, सांस लेना पर ही यहाँ जीना नहीं है। के अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीट के एग्जाम के लिए। Somebody's writing, it's my favorite song. के अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, सांस लेना भर ही यहाँ जीना नहीं है। के अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। Oh yeah, what's up? क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? आज नीचे से प्रकट हुआ, मैं नीचे बैठ के गा रहा था, है ना? So okay, amazing यार, thank you so much and बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आज somebody is writing something, ठीक है। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फिर से कुछ लिख रहे हैं लोग। देखो इसमें दो तीन चीज़ें हैं, मैं कुछ आज क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। एक तो पहली बात तो YouTube पे जितने भी टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत रिस्पेक्टेड है, उनका खुद का वे ऑफ टीचिंग है, सब बहुत औसम है ना। और मैं सबको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे लिए सब रिस्पेक्टेड हैं, अब कोई भी हो है। उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं जो यंग एज के हैं, कुछ एक टीचर हमारे एज के हैं, कुछ एक टीचर हमारे से थोड़े से ओल्डर एज में हैं। और जो ओल्डर एज वाले जो टीचर्स हैं बेसिकली, वो तो आप देख के अंदाज़ा लगा ही लेते हो, जो ओल्डर एज के जो टीचर्स हैं जो भी यूट्यूब पे हैं वो इतने बढ़िया हैं, इतने औसम हैं, जो भी हो दे आर रियली गुड अमेजिंग। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैं सभी को बहुत प्यार करता हूँ, और सब स्पेशली मैं उन लोगों को बहुत प्यार करता हूँ यार जो नो यूट्यूब पे प्यार बरसाते हैं। मतलब कई लोग होते हैं ना जिनको हेट फैलाने में मज़ा आता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार फैलाने में मज़ा आता है, जिनकी बोली में मिठास होता है, जो मोहब्बत सिखाते हैं। तो ऐसे टीचर बहुत कम है, मुझे ऐसे टीचर बहुत अच्छे लगते हैं जो मोहब्बत, जो प्यार। देखो किसी की बुराई करना, किसी पर टोंट करना या किसी को कुछ भी कह देना, इट्स वेरी ईजी। अगर आप सोचोगे पर्सनली, अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके लिए आसान काम क्या है, तो कोई भी किसी पे टोंट करना, किसी की बुराई करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इट्स नॉट यू नो हार्ड टास्क। और बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग हेटरेट, मतलब हेटरेट फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं, उनका तो ऊपर वाला मालिक है, वो जो कर्म कर रहे हैं ऊपर वाला देखेगा। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल बिलीव है कि जो लोग प्यार मोहब्बत बांटते हैं यूट्यूब पे बच्चों को प्यार, हम तो देखो दिल में देसी आदमी है, जो दिल में होता है बोल देते हैं, तो जो प्यार मोहब्बत बांटते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। मतलब वो बच्चों को सिखाते हैं प्यार लो, प्यार दो, मोहब्बत करो, मोहब्बत दो, अच्छे मीठे वचन बोलो। मुझे आज भी याद है, मैं जयपुर में जब मेरा SKIT में जब मेरा एडमिशन हुआ था, जो पहला मेरा टेनेंट थे, मतलब जहाँ मैं रेंट पे मैंने रूम लिया था, तो वो बंगाली आंटी थी, तो हर चीज़ से सीखने को मिलता है। तो उन्होंने मुझे प्यार से बोला था कि अपन अच्छे तो सब अच्छे, समझ रहे हो? तो हेटरेट फैला के शायद पब्लिसिटी गेन कर सकते हो, लेकिन लोगों का प्यार तो नहीं मिलता। लोगों का प्यार तब मिलता है जब आप प्यार बांटते हो, है ना? और जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करते हो। यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं राजस्थान पंजाब बॉर्डर हरियाणा बॉर्डर पे एक हरियाणी छोरा हूँ, मेरी भाषा ऐसे ही है, मैं देसी हूँ, मेरे मन में जो आता मैं बोल देता हूँ, छुपाना मेरे को आता नहीं, इमोशनल टाइप का इंसान हूँ, और इसीलिए लोग इतना प्यार करते हैं। और आज अगर मैं आपको बताऊँ ओवरऑल
सभी सोशल मीडिया को अगर आप मिला लोगे तो मेरे 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, 10 मिलियन, और मुझे इसको कोई गुमान नहीं है। मुझे खुशी है कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, और वो शायद मेरे अक्खड़पन की वजह से, मेरे खुलेपन की वजह से, और जो मैं बोलता हूँ उसकी वजह से लोग इतना प्यार करते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ना, अब मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते, तो किसी का बुरा मत करो। प्यार फैलाओ, प्यार भरी बातें बोलो, सामने वाला जैसे है उसको वैसे एक्सेप्ट करो। कई लोग है ना सेंसेशनलाइज कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया भी था, अभी तो खैर बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो क्या बोलें, बट ओवरऑल मेरा परसेप्शन है ना टूवर्ड्स लाइफ, वो थोड़ा सा इम्यून हो चुका है, चेंज हो चुका है। मैं बस प्यार बांटना चाहता हूँ, मेरे बस हो गया, हेटरेट वेटरेट कुछ नहीं जिंदगी में, अब ना कभी किया है ना कभी करेंगे, प्यार देंगे प्यार लेंगे, नो हेटरेट, नथिंग एल्स, है ना। मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, जो यहाँ चैट में हैं सारे बच्चे इतने प्यारे हैं, वो बच्चे मुझे प्यार करते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए वही बहुत है, मेरे लिए वही बहुत है। जिसको हेटरेट वीडियोस बनानी बनाए, जिसको हेटरेट समथिंग यू नो वेंट ऑन इंटरनेट, जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, क्योंकि इंसान जैसा अंदर से होता है वैसे ही काम करेगा। मेरा काम है कि मैं मोटिवेट करूँ, मेरा काम है प्यार फैलाऊँ, मेरा काम है मुस्कुरा के बात करूँ। अपन देसी हैं, अपन देसी की जैसे बात करेंगे, अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना यही है। एंड समबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट आई एम, और आप बच्चों को उनको जवाब दे रहा है कि हेटरेट फैला के क्या हो जाएगा यार, लिखो ना वहाँ जाके, आप बच्चे आप ही लोग तो हो जो हमें रिप्रेजेंट करते हो, आप ही ने हमें बनाया और आप ही लोग रिप्रेजेंट करते हो, और आप ही लोग ऐसा कुछ करता है तो बोल सकते हो। बाकी प्यार की कमी बहुत है दुनिया में, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि है ना हम प्यार फैलाएं, है ना। सो अच्छा एक और चीज़, somebody is asking कि भाई वो VPL का ग्रैंड फिनाले होने वाला था। एक्चुअली वो VPL का ग्रैंड फिनाले इसलिए नहीं हुआ, उसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि ग्रैंड फिनाले होने वाला है मीनाक्षी मैम और मेरे बीच में, क्योंकि लास्ट जो मैच हुआ था सचिन और मीनाक्षी के बीच में, मीनाक्षी मैम जीत गई थी। अब मीनाक्षी मैम आज अवेलेबल नहीं है, उनके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, मतलब फैमिली इश्यूज़ नहीं है, उनकी फैमिली से कोई आए हैं, तो ऑब्वियसली फैमिली के साथ समय बिताएंगे, आज संडे है, है ना। सो हमारे जैसे हर कोई वेला नहीं होता नहीं, तो ऑब्वियसली यार उनको समय चाहिए, तो आज वो VPL का मैच हो नहीं पाएगा। दूसरा, कुछ पूरे हैकर्स लगे हुए हैं हैक करने को, तो हम लोग कोई ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि भाई जिससे हमारा जो अभी फिनाले है उसमें जो ये नज़रें हैं गड़ी हुई, वो थोड़ा सा उनको कैसे भी अवॉइड किया जा सके। विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि जो ईमानदार है उसको मिले, है ना। ओके सो बस यही है और क्या, और बस चले शुरू करें आज के सेशन को। तो देखो आज इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सो इसलिए आज का VPL का ग्रैंड फिनाले नहीं हो रहा, वो वेडनेसडे को होगा, और वेडनेसडे को हम लोग वो मैच करेंगे, फाइनल मैच होगा। और इसके अलावा और कोई न्यूज़ है आप लोगों को पूछनी? हाँ, और क्या पूछना है, और कुछ पूछ रहे थे आप लोग, तो चलो शुरू करें फटाफट से, शुरू करें। हमारे गांधी जी ने क्या कहा है, कोई नफरत भी करे आपसे तो उसको भी प्यार से जवाब दो, बस बहुत है एंजॉय करो, एंजॉय द लाइफ। चलो शुरू करो, तो अब हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं आज के नीट के सेशन को, क्योंकि भैया देखो ऑब्वियसली आज आप लोग यार जो नीट की तैयारी कर रहे हो, सारे बच्चों का एक ही सपना है कि नीट में सिलेक्शन हो जाए कैसे भी करके। और कुछ दिनों से हम लोग नीट के बच्चों को लेके रिगार्डिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, ताकि आप लोग अपने टारगेट को ना भूल जाओ। सिर्फ ऐसा मत सोचो कि मैं तो बोर्ड के लिए बना, मैं तो बोर्ड एग्जाम पास हो जाए बस बहुत है यार, डॉक्टर बनना है आपको, ठीक है, अपने लिए बनना है, अपनी सोसाइटी के लिए, मॉम डैड के लिए, और आपको नीट क्रैक करना है, और आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेशर नहीं बनाना इस चीज़ का, बट यू कैन डू इट, और मैं मानता हूँ आप लोग ईजिली कर लोगे। तो आज के सेशन में हम लोग है ना, देखिए मुझे पता है मेरे को आप पे यकीन है आप कर लोगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं आपकी। थोड़ी सी हेल्प ये है कि आप अगर 650 प्लस का टारगेट बना के चल रहे हो, तो टॉपर्स का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? बेसिकली अगर आप माइंड में 650 से ऊपर का नंबर का सोच के चल रहे हो यार, ऑब्वियसली आप टॉपर्स में आने की सोच रहे हो, टॉप 1000 में आने की सोच रहे हो, इतनी स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, है ना, और अच्छे कॉलेजेस में जाने की सोच रहे हो। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि जो एम्स में पहुंचा, जो नीट के टॉप कॉलेजेस में पहुंचा, जो गवर्नमेंट के बहुत अच्छे कॉलेजेस में पहुंचा, वो अपने आप में एक टॉपर है, उसने मेहनत की है यार, तभी अचीव कर पाया वो सीट, अदरवाइज तो अचीव नहीं कर सकता। तो टॉप 100 रैंकर्स को ही टॉपर बोलना वो गलत है,
मैं तो ऐसा मानता हूं कि गवर्नमेंट की एक एक सीट जिसको अलॉट हुई है ना, उसने बहुत मेहनत की है। क्योंकि खुद ही सोच के देख लो यार, आपके 16 लाख के करीब ऑलमोस्ट फॉर्म भरे जाते हैं, 15 लाख 16 लाख के करीब फॉर्म भरे जाते हैं, है ना। और अगर उसमें से सीट कितनी है, 70-80 हजार है, तो कितना वास्ट कॉम्पिटिशन है। और इतने वास्ट कॉम्पिटिशन में अगर आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल गई जिसमें आपने अपने माँ बाप का बर्डन कम कर दिया, वो बच्चा मेरे लिए टॉपर है, मतलब वो मेरे दिल में बसता है क्योंकि उसने अपने माँ बाप का बर्डन कम किया। क्योंकि यार वाकई में प्राइवेट कॉलेजेस में फीस बहुत है। तो मकसद समझो, मकसद को टॉप करना नहीं है, मकसद ये है कि हाँ, मकसद है कि हमें गवर्नमेंट सीट चाहिए। और वो गवर्नमेंट सीट मिलने से फायदा क्या होगा, आपकी फीस बहुत कम होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो और कम होती है। एम्स में जाओगे तो फीस ना के बराबर है, और वो आपके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसीलिए ना, जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना इतनी, वो किस वजह से कर रहा होगा, वो क्योंकि वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, और उसको पता है कि उसके पापा ना कैसा पैसा कमा के लेके आते हैं, बहुत मेहनत करके पैसा कमा के लेके आते हैं। तो उसको ना वो वेस्ट नहीं करना चाहता है, ना करवाना चाहता है। सच बात बोल रहा हूं कि नहीं? तो एक ईमानदारी से बात बताओ कि वाकई में जो अपनी माँ बाप की सिचुएशन को समझता है और इसीलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, जस्ट गिव योर सेल्फ अ लव, अ हार्ट फ्रॉम माई साइड, एक 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 ना रेड हार्ट हो जाए यार, मतलब तुम मेरे दिल में बसते हो। अगर तुम अपने माँ बाप की सोचते हो ना, सच में तुम मेरे दिल में बसते हो, क्योंकि इससे अच्छा कुछ जिंदगी में हो नहीं सकता। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन आज आपके ना माँ बाप के लिए सारा का सारा सेशन यार, क्योंकि आपके पापा बहुत मेहनत करके पैसा कमा के लेके आते हैं। सच पे पूछ, एक बार अपने पापा से जाके पूछो, पापा आप पैसा कैसे कमाते हो, एक बार पूछो यार। मतलब वो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप अपने पांव पे खड़े हो जाओ। और अगर आप लोग, अपने माँ बाप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और गिव अ हार्ट टू योर सेल्फ मैन, अगर आप अपने पेरेंट्स की सोच रहे हो, तो नहीं सोच रहे हो तो अब से सोच रहे हो, तब भी अपने आप को हार्ट दे दो। और आज अपने पेरेंट्स को बुलाओ और बोलो कि अरविंद सर आपको सल्यूट कर रहे हैं, मतलब आप लोग इतना हार्ड। आज का ही मेरा सेशन और आज का मेरा ये जो सल्यूट है, अरविंद अरोड़ा सल्यूट करता है सर, जितने भी पेरेंट्स हैं आज अरविंद अरोड़ा आपको सल्यूट करता है, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए बहुत कर रहे हो यार, आपके बच्चों के लिए बहुत कर रहे हो, ताकि आपके बच्चे डॉक्टर बन सके। मैं सल्यूट करता हूं सर आपको। तो मैं आप लोगों से कहूंगा, पहला तो ये मेरा मैसेज है, जो अपने पेरेंट्स को पहुंचाओ आप लोग। मैं बहुत प्यार करता हूं उन बच्चों से जो अपने पेरेंट्स की उम्मीदें समझते हैं, उनके हार्डवर्क समझते हैं, और वो जानते हैं यार मेरे माँ बाप कैसे पैसा कमाते हैं। और अब सच में बताऊं मैं आप लोगों को, सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को इसकी अहमियत समझनी पड़ेगी, आपके पापा कैसे पैसा कमाते हैं, मम्मी कैसा पैसा कमाती है, या फिर अगर आपके पेरेंट्स, माफी चाहूंगा बोल रहा हूं, बट कईयों के पेरेंट्स नहीं है, या पेरेंट्स उनकी देखभाल ही नहीं करते हैं, तो शायद उनके भैया फीस भरते होंगे, कोई काका चाचा ताया फीस भरते होंगे। जो भी आपके रिस्पेक्ट में फीस भर रहा है ना यार, वो आपसे कुछ कुछ नहीं मांगता, वो एक चाहता है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ यार। और इतने से रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप समझ पा रहे हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं यार, आपसे इस दुनिया में कोई मैच्योर इंसान ही नहीं है, इस दुनिया में आपसे मैच्योर कोई इंसान ही नहीं है। और आप अपने आप को इस बात पे ना हार्ट दोगे आज, मतलब बोलो अरविंद सर ने जबरदस्ती करा, मतलब हार्ट दो अपने आप को यार, आई रियली लव यू मैन, मतलब मैं बहुत प्यार करता हूं उन बच्चों से जो अपने पेरेंट्स को, मतलब उनकी उम्मीदों को समझते हैं। और देखो, उम्मीदों पे खरा उतरना नहीं उतरना वो तो देखो पता नहीं क्या होगा, वो तो ऊपर वाला जानता है, अपन को नहीं पता। लेकिन उस उम्मीद का अपन को करना क्या है, सवाल ये है, उस उम्मीद को बर्डन मत बना लेना सिर में से घोप लो, भाई बहुत बर्डन हो गई क्या करें, बर्डन नहीं बनाना यार। आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप जिंदगी में जो भी करो, हम आपके लिए हार्डवर्क करें, आप ही हार्डवर्क करो, दैट्स इट। फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में। ऑब्वियसली यार 16 लाख 17 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, सीटें 80 हजार हैं, तो 15-15.5 लाख जो भी बच्चे हैं उनको नहीं मिलेगी सीट, ऑब्वियसली, समझ रहे हो। ये पेसिमिस्टिक नहीं है, ये रियलिटी है, उसे एक्सेप्ट करनी है। आज नहीं कल मिलेगी, कल नहीं परसों मिलेगी, नहीं मिली तो तुम किसी और फील्ड में अच्छा कर लोगे। तो फिर आपके माँ बाप को आपको देना क्या है, रिवर्ट में, आपके माँ बाप को आपको रिवर्ट में देना है हार्डवर्क के बदले में हार्डवर्क, समझो। बहुत बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, वो आपसे ना एक्चुअल में आपसे सीट नहीं मांग रहे, आप एमबीबीएस की सीट दे दो लाके हमें, सिलेक्शन करा लो अपना, वो तो यार आप थोड़ी अपनी तकदीर लिख रहे हो, समझ रहे हो, किस्मत में क्या लिखा है अपने को नहीं पता। सो आपको क्या देना है, आपको देना है आपका 200%,
कि किस्मत में ना भी लिखा हो ना तो ऊपर वाला बोले ओ माय गॉड यार क्या मेहनत कर रहा है, इसको दे दो यार, समझ रहे हो, ये बात है। तो अपने माँ बाप की हार्डवर्क देखो, आपके पापा सुबह निकलते हैं, कोरोना की सिचुएशन में बहुत सारे माँ बाप घर से काम कर रहे होंगे, बहुत सारे माँ बाप कोरोना की सिचुएशन में मास्क लगा के निकल भी रहे होंगे और बाहर निकल के आप लोगों के लिए इतने रिस्क उठा के कमाने जाते हैं, जरा सोचो। किस किस के पेरेंट है जो कि मुझे ईमानदारी से चैट सेक्शन में लिख के बताओ, आज मैंने आप लोग चैट ही नहीं खोली, मैं इसीलिए थोड़ा सा मैं फील कर रहा हूं कि आज थोड़ा थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा है, तो आज आपकी चैट खोलते हैं, है ना, आज मुझे ईमानदारी से आप लोग जवाब दोगे, मैं चैट खोलता हूं आपकी, बहुत जरूरी है आज, बहुत सारे बच्चों ने आज हार्ट दिए, आज आप ये ना चैट में दिखोगे, ठीक है, ये चैट है, ये चैट में दिख रहे हो, आज आप ईमानदारी से जवाब दोगे, पीछे चैट भी चल रही है, ठीक है। पहले तो मुझे ईमानदारी से जवाब दो, आपने सबने हार्ट दिया, ईमानदारी से जवाब दो, किसके पेरेंट्स ऐसे हैं जो आज कोरोना की सिचुएशन में बाहर जाते हैं कमाने के लिए, राइट डाउन इन चैट सेक्शन प्लीज। आज अपने पेरेंट्स को लेके बैठना था कि उनको भी फील हो यार कि आप कितना महान काम कर रहे हो, क्योंकि आप लोग महान काम कर रहे हो यार, कोरोना में लोग बाहर नहीं निकल रहे, आप लोग अपने बच्चों के लिए कमाने निकलते हो, बहुत बड़ी बात है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, और अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के वो लोग जा रहे हैं बाहर, ताकि आपको बाहर नहीं जाना पड़े, ताकि आप YouTube पे या किसी लाइव प्लेटफॉर्म पे पढ़ सको, सोचो जरा, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, आप ये भी लिख सकते हो पापा क्या करते हैं या आपकी मम्मा क्या करती है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। आज एक बात याद रखना, आप अपने पेरेंट जो भी करते हैं ना, रिस्पेक्ट से बोलो कि मेरे पापा ये करते हैं, बहुत बड़ी बात है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, समझ में आता है, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। आप जैसे somebody is writing पुलिस वाले, भाई पुलिस वालों को सलाम है यार, सलाम है, मतलब सोचो कोरोना की सिचुएशन में सब अंदर भाग रहे हैं, सब अंदर है, लेकिन हमारे पुलिस वाले, हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेज, सिक्योरिटी गार्ड, हमारी रक्षा करने वाले सैनिक, सब लोग काम पे हैं, वो कोई अंदर नहीं गए, अगर वो छोड़ के चले जाते तो देश कब का ही खत्म हो जाता। तो सलाम है सर आपको, आप अगर कोई पुलिस में है और वो पुलिस रेगुलरली, पुलिस वाले जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, नर्सेज जा रही हैं काम करने के लिए, और आपके बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं घर पे और आप उनसे मिल नहीं पा रहे, आते तो बहुत टेंशन होती है, उनको सलाम है मेरा, वो इतना रिस्क उठा के आपकी फीस भर रहे हैं। एक बच्चे ने और लिखा, उसके पापा फार्मर हैं और एक ने लिखा ड्राइवर है, somebody is writing farmer, somebody is writing driver, मैं सल्यूट करता हूं सर आपको, और पता है ड्राइवर की लाइफ तो और ज्यादा, मतलब कोरोना की सिचुएशन में थोड़ा टेंशन वाली काम है वो वाला भी, हालांकि मुझे लगता है कि जैसे हम लोग कैब यहाँ पे करते हैं तो वो थोड़ा सिक्योर रखते हैं अपनी जो ड्राइवर सीट है उसको पूरा कवर करके रखते हैं, लेकिन फिर भी रिस्की काम है, वो जगह जगह पे घूमते हैं, ड्राइवर है तो ऑब्वियसली पैसेंजर्स को लेते होंगे और उस पैसेंजर में पता नहीं कौन कैसा है, क्या लेके घूम रहा है, तो इतने रिस्की काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी फीस भरी जा सके, सिर्फ इसलिए कि आपके सपनों को पूरा किया जा सके। तो सर मैं आपको सल्यूट करता हूँ, सर मैं आपको सलाम करता हूँ, अब आप बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं। Somebody is writing, पापा रिक्शा चलाते हैं, बेटा उनको ना मेरी तरफ से ना जादू की झप्पी देना यार, आज है ना अपने पापा को जादू की झप्पी देना, ठीक है। जो फार्मर है, somebody is writing farmer, somebody is writing policeman, somebody is writing lawyer, देखो आज कोर्ट में काम हो रहा है, लीगल काम भी जरूरी होते हैं, आज कोई लॉयर भी है उनको भी जादू की झप्पी देना, आज अरविंद सर ने बोला है पापा गले लगने को, आज जितने भी बच्चे अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं ना, आज अपने पापा को गले लगाएंगे, आज अपनी मम्मी को, अगर कोई मम्मी भी है, एक और बात बताऊं, सिर्फ पापा को ही क्यों गले लगाओ, पापा के साथ साथ मम्मी को भी गले लगाओ, क्यों, क्योंकि आपकी मम्मी भी दिन रात किचन में आपकी आपके लिए खाना बनाती है, मेरे बच्चे को भूख नहीं लगे, समझ रहे हो, ताकि उसका सारा का सारा ध्यान पढ़ाई में जाए, मेरे बच्चे को अच्छा से अच्छा खाना मिले, एकदम चुस्त तंदुरुस्त खाना मिले, उसके लिए मम्मी पूरे दिन किचन में काम करती सिर्फ आपके लिए। तो पापा और मम्मी दोनों को आप लोगों को आज जादू की झप्पी देनी है, ईमानदारी से मैं आपको बोलता हूं, पापा को बोलना, और एक बात समझ लो बेटा, जिंदगी में एक बात याद रखना, कोई आपका भला सोचे नहीं सोचे, आपके माँ बाप ऐसे होंगे जो आपका कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, हमेशा आपका भला सोचेंगे, हमेशा। इसलिए आज ईमानदारी से देखो, आज पेरेंट डे तो नहीं है, वैलेंटाइन डे आने वाला है, आप लोग सब लगे हुए, आज रोज डे है, शायद अपने लव्ड वंस के लिए आप लोग कोई गुलाब खरीद के लाए हो गए, लेकिन आपके लव्ड वंस सबसे पहले कौन, आपके पेरेंट्स हैं यार। आज इस रोज डे पर आप अपने पेरेंट्स को गुलाब तो पता नहीं रात में कहां से लेके आओगे, लेकिन जादू की झप्पी तो दे ही सकते हो ना यार।
तो आज ईमानदारी से रात को सोने से पहले पापा को जादू की झप्पी दोगे और बोलोगे पापा बहुत बहुत धन्यवाद, मम्मी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। समझ में आ रहा है? सो ये आज आप लोगों करना ईमानदारी से। जितना प्यार बांटोगे उतना प्यार मिलेगा, समझ लो इस बात को। जितना प्यार बांटोगे दुनिया में उतना प्यार मिलेगा। और बस आप अपने आज माँ बाप को खुश करना है आपको, क्योंकि ऑब्वियसली आप उनको खुश करोगे तो वही तो आप करता धरता सारे, सोचो तो जरा, वही तो आपकी फीस भर रहे हैं। पापा आपकी फीस भर रहे हैं, सुबह से शाम तक कमाने जाते हैं, मम्मी आपके लिए खाना बनाती है ताकि मेरे लाल को, मेरे गोपाल को, मेरे मेरी मेरी बेटी को, है ना, किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाए। सोचते नहीं सोचते, और हम लोग सिर्फ इतना भी नहीं कर सकते। आज आज से ना, आज ईमानदारी से देखो, आपका 14 तारीख का बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ आज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जो भी दिन आते हैं उनको आप पेरेंट्स को डेडिकेट करो, अपने माँ बाप को डेडिकेट करो। और वैलेंटाइन डे पर, ठीक है, आप कोशिश करो कि आप अपनी मम्मी के लिए, लड़कियों को बोल रहा हूँ, अपनी मम्मी के लिए, इनफैक्ट पूरी फैमिली के लिए अच्छा सा खाना बनाएं कि आज मैं बनाऊंगी। और लड़कों को कहूंगा कि पापा के बहुत सारे काम होते हैं जब वो बाहर जाते हैं, तो आप इतना बोलो कि आज 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 मैं आपके हाथ में, आपके काम में हाथ बटाऊंगा। एक बार करके देखो, आपको बहुत खुशी होगी, अंदर से अच्छा फील होगा, है ना। सो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत 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 बढ़िया। और मुझे पता आप लोग बहुत प्यार करते हो, और आज आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए और अपने लिए आप लोग लाइक करोगे। डू लाइक द सेशन फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर पेरेंट्स, है ना। सारे बच्चे, यस, गिव अ हार्ट टू योर पेरेंट्स, टू योरसेल्फ। पापा को बोलना, पापा मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, पापा बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मम्मी बहुत प्यार करता हूँ आपसे, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। सो आई थिंक आप लोग ये जज्बात समझ रहे होंगे कि वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप नीट में बहुत अच्छा करो। और जब वो चाहते हैं नीट में बहुत अच्छा करो, तो इसका मतलब हो गया आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए, मैं 700 नंबर तक की तैयारी करके जाऊं। रिजल्ट क्या होगा हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी है, हमें दिमाग में ये सोच के चलना है, यू नो द डेस्टिनेशन, व्हाट वी कैन से, जो आपकी जर्नी है ना बेसिकली, दैट इज अमेजिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट। रिजल्ट क्या होगा, दैट वी हैव नो आइडिया। समझ में आता है, हमें उसकी परवाह नहीं करनी। क्या बोला था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, याद है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। समझ में आ रहा है? और वही आपको करना है, अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल की चिंता करोगे तो समय आपके हाथ से निकलता चला जाएगा, याद रखना। क्या बोले थे कृष्ण भगवान, ये बोले थे ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस। तो अपना कर्म करो, बाकी चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो देखेगा उसको आपकी मेहनत का फल कैसे देना है, क्या देना है, वो ऊपर वाला जाने, वो करेगा जो करना होगा। समझ में आया? यस। तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी। हाँ, हमें क्या करना है, हमें खूब सारा हार्ड वर्क करना है, हमें क्या करना है, अपने स्केड्यूल को बनाना है, हमें क्या करना है, अभी जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसको फॉलो करना है, हमें क्या करना है, टॉपर्स को समझना है, उनकी मेंटेलिटी को समझना है, और बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे एक बच्चा याद आया अभी कल परसों, टॉपर्स के लिए बोला कि आप टॉपर्स को फॉलो करिए, किसने टॉपर्स का आजकल वो A2 A11 वाला काफ़ी अच्छा वीडियोस वगैरह डाल रहा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं। उसमें बच्चा बोला कि सर हम टॉपर्स को क्यों फॉलो करें, हम अपने यूनिक हैं। बेटा आप यूनिक हो बेटा, गलत नहीं है, आप बहुत यूनिक हो, आप सारे बहुत यूनिक हो, लेकिन अगर कोई उस रास्ते पे चल चुका है तो उसने क्या क्या अच्छी चीज़ें करी और क्या क्या खामियाँ थी उसको देखने में कुछ नहीं जाता है। समझ रहे हो? मतलब आजकल ना लोग इसको एक अलग वे से देखने लग गए, यू आर यूनिक। मतलब बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, यू आर यूनिक, यू डोंट हैव टू फॉलो एनीवन एल्स। नहीं यार, पता है, आप हमारे शास्त्रों में जाओ, सब लिखा है अंदर कि गुरु के बिना कुछ चीज पॉसिबल नहीं है। और आप गुरु किसी को भी बना सकते हो यार, किसी टॉपर की स्ट्रेटेजी को लेके आप निखिल, जो अपना नलिन खंडेलवाल, उसको भी एक इंस्पिरेशन मान के आप उसके पद चिन्हों पे चल के उससे भी ज्यादा नंबर लेके आ सकते हो। बुराई क्या है इसमें? वो ईगो मत लाओ अपने अंदर स्टोरी के साथ। मतलब कोई अगर कोई मोटिवेशनल चीज समझा रहा है तो उसमें ना सबसे पहले वो यही बोलता है, अपनी ईगो को मारो। अगर आप वाकई में ना, अगर आपने अपने दिमाग को बंद कर रखा कि मुझे तो किसी से कोई इंस्पिरेशन नहीं लेनी, मुझे तो किसी से कुछ नहीं सीखना, मैं तो बस सब कुछ जानता हूं, तो आप गलत डायरेक्शन में जाओगे। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि आप मन में आए वो करो,
लेकिन आप ऐसा मत सोचो कि किसी ने कुछ किया है तो उससे मैं कुछ इंस्पिरेशन नहीं लूंगा, मैं अपना अलग तरीका आजमाऊंगा, मैं अपना अलग तरीका अपनाऊंगा। नहीं बेटा, वो ईगो नहीं आना चाहिए अंदर, उसको ईगो बोलते हैं। सेल्फ स्टीम इज गुड बट ईगो इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग, ठीक है। और इंस्पिरेशन लेने में कुछ नहीं जाता, इंस्पिरेशन मैंने भी, हम लोग भी बहुत सारे आइडियाज यूट्यूब पे देखते हैं और उससे इंस्पायर होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए। हमसे भी लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, पर ऐसा मतलब थोड़ी है कि बस मैं ही, मैंने ठेकेदारी ले रखी है, मैं ही इंस्पायर करूंगा यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, और काफी बार, जैसे मैंने एक बार नेहा के लिए बोला भी था कि शी इज रियली अमेजिंग, ऐसे बहुत सारे टीचर हैं। इट्स नॉट अबाउट नेहा ओनली, इट्स नॉट अबाउट अमन ओनली या अलक ओनली, ये जो यू नो बंच ऑफ टीचर्स हैं, सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पास यूनिक आइडियाज हैं एंड बड़ा अच्छा लगता है यार। इंस्पिरेशन लेंगे, उससे कुछ सीख के कुछ अच्छा करेंगे, और दिल वाला वही बड़ा होता है जो एक्सेप्ट करे यार आई हैव एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसे छोटा नहीं हो जाता इंसान। और जब आप किसी के आइडिया को लेके इंस्पायर होते हो ना, फिर उसमें अपना फ्लेवर ऐड करते हो कि ठीक है मैंने उससे एक आइडिया लिया बहुत अच्छा था, अब मैं इसमें अपना फ्लेवर ऐड करूंगा, तो वो ना आपकी ऊंचाइयों, मतलब बेसिकली आपकी सक्सेस को और ज्यादा पुख्ता कर देता है कि आप इंस्पायर हो, आप किसी से आइडिया ले रहे हो और आप अपना फ्लेवर भी उसमें ऐड कर रहे हो। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ईगो नहीं कहलाता है, वो सेल्फ स्टीम कहलाता है, और आपको बैलेंस करके रखेगा कि नहीं यार सबकी रिस्पेक्ट करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो सबको प्यार करता हूं भाई, मैं देखो कोई मेरी बुराई करे अच्छाई करे, आई लव ऑल ऑफ यू। क्योंकि चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को, और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सारे बच्चे, अब लास्ट बार एक और सवाल लास्ट पूछ रहा हूं, कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जो कि नीट में वाकई में 650 से ज्यादा नंबर बनाना चाहता है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन में लिखो कि यस सर मुझे बनाने हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अब देखें यहां पर कौन कौन लिखता है, कम ऑन डूड, या बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया यार तुम लोगों ने, धमाल कर दिया है, ओ माय गॉड, सारे बच्चे चाहते हैं तो ताली बजाओ यार अपने लिए। कितने बच्चे आज चैट सेक्शन में बताओ मुझे, कितने बच्चे आज, कौन कौन है, या संदीप, ऋतिक, तन्मय, शैतान सिंह, वाह मेरा फेवरेट नाम है ये, उसके बाद क्या, आनंद और विवेक, हसन, देविल, विनीत, अविनाश, दिनेश, दीपक, ऋतिक, अर्पिता, संजय, चिरंजीवी, प्रियांशु, अंकुर, कोई ये मुझे ये भी बताओ आज कितने बच्चे देख रहे हैं, चैट सेक्शन में बताओ लिख के कि हाउ मच स्टूडेंट्स आर देयर लाइव, कितने बच्चे, तो मैं थोड़ा थोड़ा ओ जोश आ जाए, मैं एकदम बहुत बढ़िया सिखाऊंगा आप लोगों, है ना, मजा आता है जब बच्चे होते हैं ना, तो बहुत मजा आता है देख के कि हाँ वाह सर, मुझे बहुत मजा आता है इतने बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। चलो तो 1200-1300 के करीब बच्चे हैं, मजा आ गया यार, चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को, और ऐसे ही मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, कमाल कर दिया भाई। तो चलिए आज की स्ट्रेटेजी को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। अरे क्या हो गया, 1 2 3 4 ओके, सो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को, 650 से ज्यादा नंबर कैसे लाने का है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे प्यारे से परिवार को उसके सदस्य नहीं बने हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पता है इस प्यारे से परिवार, ये तो परिवार है आपका यार, ये कोई चैनल नहीं है, तो आपके ना बगल में एक सब्सक्राइब का बटन दिया होता है, उसको प्यार से क्लिक करो, टन ऐसा, सब्सक्राइब टन की आवाज नहीं आएगी, बट वो हमारा ही फैमिली है याद रखो। गौतम ने आज की स्लाइड प्रिपेयर की है, सो थैंक यू सो मच, एंड कार्तिका एज वेल, थैंक यू सो मच। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन के बटन को ऐसे करके दबाने का, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, नीट 2021 के लिए आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है, आप नीट का क्रैश कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यार 5 महीने किसी की गाइडेंस चाहिए, तो वेदांतु से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है। 120 सेशन में आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, डाउट सोल्विंग सेशन होते हैं सुबह से लेकर रात तक, फुल टाइम पार्ट टाइम टेस्ट होते हैं, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाती है, टू वे इंटरेक्शन, और टीचर से बात भी कर सकते हो। इन दैट केस आपको क्या करना है, देखो आप, आपके लिए फीस बताता हूँ, दैट इज 10,000 रुपीज है, लेकिन आपको अगर आप ए नीट ये कूपन कोड लगाओगे तो 8,000 रुपीज आपको फीस लगे, 20% डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा। लेकिन मजे की बात एक और है, इसमें भी एक कैच है, बहुत मजेदार कैच है, जानना चाहते हो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है आपको, फिर अपन स्ट्रेटेजी की तरफ बात करेंगे, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको सिर्फ ये चीज और बता देता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यही वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और यहां पर आपको ना ये दिख रहा है, ये लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ये नीट का क्रैश कोर्स है, बाय नाउ पे क्लिक करिए, अपनी मोबाइल वगैरह या फिर आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, वो डाल के आप लोग कंटिन्यू करिए।
तो आपके लिए ना पेज खुल जाएगा। यहां पर है ना, मैंने आपको बताया 8000, लेकिन मैं आपको शायद अभी तक देखते हैं कि वो अप्लाई होता है कि नहीं होता है। कूपन कोड बताता हूं, दैट इज AA2021। देखते हैं, हे भगवान, बच्चों को 1000 रुपए डिस्काउंट मुझे और चाहिए बच्चों के लिए। तो देखिए अभी अप्लाई हो, ओ माय गॉड, हो रहा है। सो फाइनली 3000 रुपीज का, तो मां ए नीट से 2000 रुपए का, लेकिन AA2021 से 3000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। सो क्लिक करो, यस 7000 आपको पे करने पड़ेंगे, दैट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, ईएमआई, पेटीएम, पेपल, अमेजोन, किसी से भी आप पे कर सकते हो और आप ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं उसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि आप लोग, कई लोग सोचते हैं उसका क्या बेनिफिट है, तो मैं आपको समझाता हूं उसका इतना बेनिफिट है कि एक तो आपकी सिस्टमेटिकल स्टडी होगी, आपको कुछ टेंशन लेना नहीं, ठीक है। उसके अलावा डाउट सॉल्विंग सेशंस, आपको पूरा प्लान बताया जाएगा कि हम लोग क्या क्या चीज कब पढ़ाएंगे, तो वो मायने रखता है, ठीक है। इस तरह से सिस्टमेटिकली चलोगे तो आपका सिलेबस आप 2 बार कर लोगे, वो आपको, आप पे डिपेंड करता है। देखो सिंपल है, अगर आप लोग लगता है कि यूट्यूब पे पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो और पहले से सिलेबस कर रखा है तो आप यूट्यूब पे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पहले से सिलेबस नहीं कर रखा है, भैया ले लो, काम आएगा, ले लो, क्योंकि अपने को साल बर्बाद नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं 650 से ज्यादा नंबर कैसे बनाए। सबसे पहले क्यों लाना है 650 नंबर, सवाल यह है कि 650 नंबर क्यों लाने हैं, और यह सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, यह मेरा सवाल है, आप लोग चैट सेक्शन में लिखो। पहला सवाल मेरा आपसे है कि आप 650 नंबर क्यों लाना चाहते हो, 650 से ज्यादा नंबर क्यों लाना चाहते हो, आपका रीजन क्या है, दिल आपका क्या बोल रहा है कि आपको 650 से ज्यादा नंबर क्यों लाने हैं। जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, यहां पर देख रहे हैं 650 से ज्यादा नंबर क्यों लाने हैं। सिलेक्शन, ओके, एम्स दिल्ली, ओके, दिल्ली कट ऑफ, ओके, एम्स, गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत बढ़िया, एमबीबीएस, एम्स, बहुत बढ़िया, एफएमसी, समबडी राइट डाउन, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बेस्ट कॉलेज चाहिए, बहुत बढ़िया, डॉक्टर बनना है, दैट्स रियली अमेजिंग, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने काफी चीजें लिखी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको आपका टारगेट तो पता ही कि आपको एक्चुअली काम करना क्यों है, ये बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि मेरे को काम करना है तो करना क्यों है। और जिस कई बच्चे हैं तो उनको नहीं पता होता है कि मेरे को काम करना है तो करना क्यों है, तो पहले तो क्यों ढूंढो। तो चलो मैं आपको बताता हूं वो क्यों क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखो सिंपल है, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो यहां पर, मैं थोड़ा सा आपको फ्रेंकली स्पीकिंग कुछ चीजें बताना चाहता हूं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक डेटा पे गौर करना, ठीक है, वो क्या है जरा आप चेक कर लो कि क्यों आपको 650 से ज्यादा नंबर लाने होंगे, क्यों है जरा समझो। टाइप ऑफ कॉलेज यहां लिखे है, एमबीबीएस है, टोटल कॉलेजेस है, टोटल सीट्स है। गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, 272 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जिसमें 41388 ये टोटल सीट्स है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस है 260, जिसमें 35540 सीट है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। टोटल सीट कितनी है, 532 कॉलेज है, 76928 सीट है टोटल, 76928 सीट, ठीक है। इसमें एम्स और जिपमर अगर हम मिला लें तो 15 एम्स है, 2 जिपमर है, जिसकी टोटल सीट बनेगी 1205 एम्स है, 200 सीट जिपमर की हैं। अब अगर सारे डेटा को जोड़ लोगे तो टोटल कॉलेज होंगे 549 टोटल कॉलेज है, जिसमें सीट कितनी है 78333 सीट है। अब आप अंदाजा लगाओ, आपके लिए टोटल सीट है 78333। अब आपको क्या लगता है कि आपको कितने नंबर बनाने पड़ेंगे जब 15 लाख या 16 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। तो आप सोचिए जरा, कंपटीशन में 15 लाख है, 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे जस्ट नीट, और इतनी सीट है 78333। तो आप अंदाजा लगा लो कि आप लोगों को नंबर कितने बनाने होंगे। कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, 600 650 से ऊपर तो सोच बना के चलनी पड़ेगी आप कौन सी भी कैटेगरी में आते हो। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैं, हम तो एससी एसटी में, हमें क्या लेना बेटा, आप वो फिर आप ऐसे सोचते हो मैं तो 400 नंबर ही बनाऊंगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप जितना सोचते हो, ठीक है, उस तक पहुंचने के लिए आप जितनी मेहनत करते हो उससे 500 नंबर नीचे आएंगे, समझ में आता है। तो मतलब जनरल वे से ऐसा होता है, आप अगर बहुत मेहनत करोगे तो आप 720 में 720 ही बना सकते हो, लोगों ने बनाए हैं। पर मैं ऐसा कहता हूं आप 650-700 का टारगेट बना के चलो ताकि आपके 600 नंबर आए ही आए, 650 नंबर आए ही आए, इतनी सोच तो आपको बना के चलनी पड़ेगी। तो आप अपनी सोच बढ़ाओ सबसे पहले। अगर आप एससी एसटी को तो ये मत सोचो अपने तो 400 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है अपन काहे मेहनत करें, 500 नंबर में सिलेक्शन हो जाता है अपन काहे मेहनत करें, ऐसा नहीं सोचना है, याद रखना। आप इतनी मेहनत कर जाओ कि लास्ट में ना आपको अपनी कैटेगरी देख रही नहीं पड़े। मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप इतनी मेहनत कर जाओ ना और इतने नंबर बना जाओ कि लास्ट में ना आपको आपकी कैटेगरी देखनी नहीं पड़े, जिस कॉलेज में चाहो ना उस कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। ऐसे हाथ रख दो ना, सर एम्स दिल्ली चाहिए, हो जाए,
फिर वो आपको ना आपका कॉलेज या आपको कैटेगरी नहीं देखनी पड़ेगी, मैं एससी में आता हूँ कि एसटी में आता हूँ, मैं जनरल में आता हूँ, ये सब बच्चों के लिए है, जनरल वालों के लिए। इतनी मेहनत करो कि आपको आपका सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। इतने नंबर आए हैं भाई साहब, कोई भी कॉलेज में हो, आओ आप एससी में हो एसटी में हो क्या फर्क पड़ता है, आप आओ। या 720 में से 720 नंबर बना लोगे तब आपसे कोई पूछेगा क्या आप ओबीसी में हो के जनरल में हो के एससी में हो के एसटी में हो, बताओ? कोई नहीं पूछेगा। समझ में आता है? कौन लाया 720 में से 720? सुन लो, 700 में से सात, भाई 720 में से 700 नंबर, तो क्या आपकी कैटेगरी पूछेंगे तब? वो सब जज्बा है भाई साहब, और कुछ नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि एससी एसटी वाले कभी नंबर नहीं बनाए, एससी एसटी वालों ने 700-700 नंबर भी बनाए हुए हैं। तो 700 नंबर बनाने वाले को पीछे मुड़ के देखना पड़ा? कभी नहीं देखना पड़ा कि मैं कौन सी कैटेगरी से हूँ। जनरल वालों को भी उतनी मेहनत करनी है। जनरल वाले कभी सोचते हैं हमारे तो रिजर्वेशन ही बहुत कम है। बेटा आप मेहनत ही इतनी करो कि आपको रिजर्वेशन का मुंह ही नहीं ताकना पड़े। मैं भी जनरल कैटेगरी से हूँ बाय द वे, बता देता हूँ। मैंने कभी जिंदगी में ना तो कोई आस रखी है कि मेरे कुछ मिलेगा गवर्नमेंट से, ना कभी रखूंगा। एक जिम्मेदार ईमानदार नागरिक हूं मैं, अपनी तरफ से टैक्स दूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं सरकार के झोले भरूं ताकि वो देश को कुछ उन्नति भला कर सके। ये अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम सिर्फ मुंह ही ताकते रहेंगे तो करेगा कौन सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए? ठीक है, और इसको बहुत कॉन्ट्रेरी पार्ट में लोग ले लेते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि सरकार देश है, हम देश के हिसाब से सोच रहे हैं। अब आगे सरकार क्या करती है हमारे पैसों का हमें पता नहीं, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हमें इतनी मेहनत करनी है, इतना पैसा कमा के देना है, हम टैक्स भरें ईमानदारी से, टैक्स भरें। ताकि देखो ऐसा तो है नहीं कि आज आप टैक्स भर रहे हो तो उसका 100% ही पैसा खराब हो रहा है, ऐसा नहीं है। जितना भी पैसा है कुछ तो यूटिलाइज हो रहा हो, किसी का तो भला हो ही रहा होगा, तो हमें वो हिसाब से सोचना है। नेगेटिव सोचने वाले बहुत मिल जाएंगे दुनिया में, पॉजिटिव सोचने वाले कम है और वही कामयाब है, समझ लेना इस चीज को। ठीक है, तो फाइनली रफ नंबर्स आपको मैं दिखा रहा हूं। इवन इफ, जरा ध्यान से समझना, अगर 1,00,000 सीट भी अवेलेबल होती, लमसम 1,00,000 सीट भी अवेलेबल होती, तो आप सोचो कंपटीशन 15,00,000 में है, तो इसका मतलब पर सीट पे आपका कम से कम हर एक सीट पे 1.15, मतलब इतना कॉम्पिटिशन है आपका, जबकि इतनी सीट है ही नहीं। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो आप लोग याद रखो, काफी अच्छा कॉम्पिटिशन है। तो आप रेशो, अरे रेशो जरा चेक करो, 1:15 का ये रेशो में आप लोगों को कंपटीशन दिया हुआ, हर एक सीट के लिए 15 का कंपटीशन है। समझ में आ गया? हर एक सीट के लिए 15 का कंपटीशन है, 15 बच्चों का आपस में कंपटीशन है, जबकि एक लमसम आपको आइडिया दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कंपटीशन कितने लोगों में है। इनफैक्ट और जितनी सीट बताए उसके अंदर गवर्नमेंट सीट्स अगर आप पकड़ लोगे तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा, ज्यादातर बच्चे तो गवर्नमेंट सीट के लिए भागते हैं। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट सीट को चेक करें तो हर एक सीट के लिए आपको 50 से 70 इतने बच्चों के साथ फाइट करनी है। ठीक है, तो चांस इन द सिलेक्शन इज टफ ऑब्वियसली, बट दैट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो हम चेक करते हैं सब्जेक्ट वाइज हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें दो पोर्शन है, बॉटनी एंड जियोलॉजी। इनका 45-45 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, सॉरी 45-45 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो बायोलॉजी में बॉटनी और जियोलॉजी के आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? बॉटनी के 45, जियोलॉजी के 45। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहले बायोलॉजी के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप एनसीईआरटी को बिल्कुल इग्नोर मत करो। आप एनसीईआरटी से अच्छी कोई बुक ही नहीं है, उसको आप कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हो, करो। आकांक्षा का क्या कहना था? आकांक्षा ये कहती थी, जो कि लास्ट ईयर की टॉपर है, वो कहती थी मैंने ना एनसीईआरटी को कम से कम 20 बार रिवाइज किया है। 20 times, oh my God, 20 बार। तो अब क्या है कि प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एनसीईआरटी को घोट के पी जाओ, एक बार दो बार तीन बार में काम नहीं बनेगा, कम से कम 5 बार तो करो। जितने डायग्राम से जितनी लेबलिंग है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं उनकी लेबलिंग अच्छे से पढ़ो, क्यों चीज कौन सी है और क्या है और कहाँ है, ये आपको पता होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और इसके अलावा ग्लोजरी शीट भी बनाओ। यस, आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद ही बनाओ, उनको लगाओ अपनी दीवार के ऊपर। दीवार की परवाह मत करो, वो दोबारा बन जाएगी, तुम्हारा फ्यूचर दोबारा नहीं बनेगा। जहां पर आप पढ़ाई करते हो, जो आपका स्टडी रूम है, उसको पेल के अच्छे से चिट के चिट चिपकाओ और बना दो यार उसको अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ की वॉल बना लो उसको। परवाह मत करना, आपके पापा वापस पेंट करा देंगे, तुम्हारी मेहनत देख के खुश हो जाएंगे। चिंता मत करना कि दीवार का क्या होगा, तुम बस अपनी मेहनत दिखाओ। समझ में आता है? यस yes? अब बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन ये तो फेवरेट है सबका, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने हैं बायोलॉजी के केस में। सेकंड आते हैं केमिस्ट्री की तरफ, केमिस्ट्री अपना प्यारा सब्जेक्ट, दुलारा सब्जेक्ट, ईमानदारी स्टैट सेक्शन में लिख के बताओ, देखो अबीरा बायोलॉजी गया है, केमिस्ट्री को कौन कौन प्यार करता है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, केमिस्ट्री को कौन कौन प्यार करता है, गिव अ हार्ट टू केमिस्ट्री, देखो क्या निकल के आता है, Who loves chemistry? Give a heart. ऐसे मजा नहीं आएगा, Give a heart. मुझे बहुत प्यारी लगती है chemistry. I really love chemistry. Love, 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 love. Love के ऊपर का भी love. इश्क वाला love है मेरा chemistry के साथ नहीं. You have to love chemistry, यार. सिर्फ biology से काम थोड़ी बनेगा. You have to love physics as well. समझ में आ रहा है? उनके लिए गाने गाओ. इश्क वाला love. नहीं. जरा समझ लो, ऐसे ना कई लोग, मैं ऐसे क्यों पूछा, मैं देखो बायोलॉजी सबको प्यारी है, जो नीट का एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो बायोलॉजी को प्यार करता ही है, ठीक है, बड़ा कॉमन है ना, बायोलॉजी के टीचर भी बड़े अच्छे ब्यूटीफुल हैंडसम वो होते हैं, अब केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर तो ऐसे ही होते हैं हमारे जैसे दाढ़ी वाले, काली दाढ़ी वाले नहीं, तो हम तो इतने स्मार्ट हैं नहीं, देसी आदमी है, तो हमें तो ऐसे प्यार से मांगना पड़ता है नहीं केमिस्ट्री में कि हमारे सब्जेक्ट को भी प्यार कर लो, हमारी शक्लें जरूर चंकी पांडे जैसी हैं नहीं, लेकिन हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है नहीं, सब बायोलॉजी वाले टीचर बहुत मैंने देखे हैं, बायोलॉजी वाले जितने भी टीचर्स हैं, मतलब चाहे फीमेल फैकल्टी है चाहे मेल फैकल्टी है, दे लुक रियली गुड, मतलब बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं ना, मैं सबकी तारीफ कर रहा हूँ आज कंबाइनली दिल खोल के, जितने भी बायो के टीचर है दे आर रियली कूल, मतलब मैं देखता हूँ कई बार तो जैसे एक सर को देखा था, वो बहुत स्मार्ट है, बड़ा अच्छे दिखते हैं, और जितनी भी मैम पढ़ाती हैं बायोलॉजी की मैम, तो मुझे लगता है कि बायोलॉजी स्पेशली बनाई मैम के लिए है, तो बहुत सारी फीमेल फैकल्टी हैं, बहुत सारी पढ़ाती हैं, दे लुक रियली गुड, तो मैं उनको देख के तो अपन सोचा हमारी सफ़ेदी की चमकार तो कहीं है ही नहीं ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि 10-12 लाइटें और लगवाऊँ इधर चलते फिरते, है ना, ताकि पूरा फोकस करें, ताकि उनको गोरेपन में कहीं तो चुनौती दे सकें हमारे केमिस्ट्री में है ही नहीं, है ना, हम काले पैदे हुए थे, पर काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, इसलिए हम लोग खुद ही मांग लेते हैं भाई केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत प्यार हमें भी दे दो, तुम क्यों सारे दिन फिजिक्स और सॉरी क्यों सारे दिन बायोलॉजी को इतना प्यार करते हो, पर ऑब्वियसली बायोलॉजी आसान होती है, ऊपर से टीचर बड़े गुड लुकिंग है तो हमारे जैसा नंबर कहाँ आएगा, ऐसा होता है, देखा है मैंने, है ना, टीचर्स आर रियली गुड लुकिंग हमारे, देखो हमारे वेदांतों में जो बायोलॉजी के टीचर पढ़ाते हैं सारे के सारे दे आर रियली गुड लुकिंग, मीनाक्षी हो गई, वाणी हो गई, है ना, सो दे आर गुड लुकिंग, दे आर गुड लुकिंग, इसको अलग अदर वे मत लेना, सच बता रहा हूँ, ठीक है, तो फाइनली उनके चेहरे का अलग ही नूर है, ऊपर से लाइटें अच्छी लगी हुई है, हमारे मैंने कितनी लाइटें जला रखी यहाँ पर, एक दो, एक लाइट बंद है, ओ माय गॉड तो मैं काला दिख रहा हूँ रुको एक बार अरे यार तुम्हें काला दिख रहा हो आज, क्या चक्कर है, कहाँ गया हमारा, लाइट जला भाई, हाँ जला एक लाइट बंद है अरे बाप रे, तो दे आर रियली गुड लुकिंग, अब मैंने कितनी लाइट जला रखी है जरा सोचो, देखो दो ट्यूबलाइट जल रही है, और सच बता रहा हूँ कि एक दो तीन चार, चार वो फोकस लाइट जली हुई है, तो दो ट्यूबलाइट और चार फोकस लाइट के बाद मैं ऐसा दिख रहा हूँ सोचो अगर मैंने बंद कर दी तो तुम्हें मैं दिखूंगा ही नहीं देख रहे हो, समझ रहे हो, तो हमारी तो गुड लुकिंग तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसको आप प्यार कर लो तो बढ़िया बात है, प्यार कर लो तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, और हमारे पास देसीपन है, इसके अलावा कुछ है नहीं हमारे पास नहीं, तो ये कहानी है, गोरा दिखने के लिए क्या करना पड़ता है वो क्या ही बताऊं, चलो तो ओवरऑल वेदांतों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने दो लाइट तो मेरी खुद की है, चार लाइट उन्होंने लगवाई है तो इसका मतलब कितना हुआ, 60% थैंक यू वेदांतु एंड 40% थैंक यू माइन खुद को गोरा करने के लिए इतनी लाइटें लगवाई है, सोचो क्या कर सकते हैं बताओ, चलो पर ओवरऑल यही है, अगर आप केमिस्ट्री को प्यार करते हो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा, उसका पीछे का रीजन है कि बायोलॉजी का बहुत प्यार करते हो, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स को जो यू नो तांडव वाले सब्जेक्ट हैं उनको भी प्यार करोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, हाँ तो अरे एक somebody is राइटिंग अमृत, अमृत तो भाई तो मतलब उसका तो आप आओगे तो अमृत को हमारे बहुत दीवाने हैं, नीचे वो नहीं है, अब अमृत बुरा मान जाए नहीं, अमृत समझ रहे, अमृत बहुत स्मार्ट है, लड़कियां लिख रही होंगी,
अमृत स्मार्ट है सही में, वो इतना स्मार्ट है, उसकी तो दीवानीपन की हद हो गई है। वो हमारा जो HSR लेआउट में हमारा वेदांतु का वो है अपना क्या बोलते हैं उसको ऑफिस हमारा, उसके जस्ट नीचे बर्गर किंग है। बर्गर किंग में अमृत घुस जाए और अमृत को बिठा के फ्री में बर्गर किंग में बर्गर खिलाते हैं वो जितनी वहाँ पे है ना अंदर, जितनी भी वहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ हैं जो पीछे, अमृत घुसे वो नहीं, आपने देखा नहीं जब कोई हीरो आता है फिर वो लड़कियाँ कैसे ता ना 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 म्यूजिक चलता है ना ऐसे प्यारा म्यूजिक चला पीछे, ऐसे अमृत घुसा ऐसे गेट खोल के यूँ बर्गर किंग में, फिर वह जैसे गेट खुलता है ना तो पीछे से म्यूजिक बजता है ता ना 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 ना, सारे जितने भी है ना वो बर्गर वाली जो बना रही होती है सब भागी आती है बर्गर लेके, अमृत अमृत सॉरी अमृत वैसे गए सर मुझे ले रहे तो इतना प्यार, मतलब सोचो अरे हम घुस जाए तो हमसे 2 रुपए एक्स्ट्रा और लेते हैं सर पैकिंग के, 2 रुपए एक्स्ट्रा, 4 रुपए आपको और देने पड़ेंगे ऐसा तो चलता। तो बायो के टीचर, मतलब बायो के टीचर हैं, उनके नूर एकदम नूर टपकता है उनकी शक्लों से, अरे हमारी शक्लें देख लो तुम लोग तो ऐसा है। बट ओवरऑल देखो बायोलॉजी वाला कुछ नहीं है सीन, ओवरऑल आपको देखो पैरेलली आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स को प्यार देना पड़ेगा तब जाके काम चलेगा, समझ में आ रहा है, नंबर आओगे तभी आएंगे। तो बायोलॉजी को एक्स्ट्रा प्यार देने से कुछ जाएगा नहीं तुम्हारा, ठीक है, कुछ आएगा नहीं तुम्हारे हाथ में, ठीक है। चलो सो फाइनली आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। तो अब केमिस्ट्री की तरफ, स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं नेक्स्ट। तो केमिस्ट्री का क्या करें, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार मेरी, देखो 3 पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, प्लीज आप फॉर्मूले की शीट बनाओ, फॉर्मूले की शीट खुद से बनाओ, जितने फॉर्म, मैं आपको मजे की बात बताऊं ज्यादा फॉर्मूले है ही नहीं केमिस्ट्री में, बहुत कम फॉर्मूले, एक बार अगर आप लिख लोगे ना आपको बहुत हेल्प करेगा, जब फॉर्मूला शीट बनाओ। दूसरा नेमिंग केमिकल रिएक्शन, 10 बार बोला फरवरी में आपको टास्क दिया आप लोग करोगे, समझ में आता है जिस बच्चे ने, और ये ना फरवरी फरवरी के टास्क है मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, ये टास्क मैं आपको दे रहा हूं 3 फरवरी में आप पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले के शीट आप खुद बनाओगे अपने हाथ से, सारे फॉर्मूले आपके लिखे होने चाहिए, टास्क दे रहा हूं केमिस्ट्री की तरफ से। नेमिंग केमिकल रिएक्शन आपको सारी की सारी याद करनी है, 70-80 है फरवरी फरवरी में याद करनी है, और इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आपको बना के सीखनी है कि एक्चुअल में बनाते कैसे हैं, फरवरी के टास्क दे रहा हूं, और ईमानदारी से लिखो चैट सेक्शन में कि हाँ अरविंद सर आपने बोला हम पक्का करेंगे, अभी तो हमारे थोपड़े में नहीं जाना है, हमारे जुनूनियत पे जाना है, समझ में आ रहा है। तो जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, समबडी इज राइटिंग पखरियाल जी बहुत ब्यूटीफुल है भाई कौन है ये कौन है ये पखरियाल जी बहुत ब्यूटीफुल है नालायक। चलो तो अब ये लिखो अपने, चलो छोड़ो अभी, फाइनली फरवरी में कौन ये टास्क पूरा करेगा, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, पक्का करेंगे, A2 के लॉयंस है ना, कहीं रुकने नहीं चाहिए, बराबर करेंगे, एकदम पक्का करेंगे, बिंदास करेंगे, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन की हम सर पक्का करेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, करोगे ना, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, देख ज्योत्ना ने एक्सेप्ट किया कि सर हम करेंगे, पक्का करेंगे, वाह हम करेंगे, वेरी गुड। तो याद रखो देखो टास्क दे रहा हूं बराबर करोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, और मैं तुम्हारी सल्यूट करूंगा किसी दिन सेशन में आके, और करके जब आपका हो जाए, जब आप नोट्स वोट्स बना लो तो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भेज देना, मैं टैग कर दूंगा आपको वापस से, ठीक है। सो आप मेहनत जो आप करके जो मेहनत करोगे ऑब्वियसली आपको रिकग्निशन तो मिलना ही चाहिए ना, तो मैं तरफ से कोशिश करूंगा जो बच्चा फरवरी में टास्क खत्म कर लेगा मुझे भेजेगा, मैं उसको रिकग्निशन दूंगा पक्का। अब आते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, GOC पक्का करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऑर्गेनिक बनाएगा, हाइड्रोकार्बन उसके बाद का टॉपिक है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, 2 ही चैप्टर आपके ऑर्गेनिक के, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड 12th में आता करके जा रहा, केमिकल बॉन्डिंग वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ एनी एग्जाम, केमिकल बॉन्डिंग पी ब्लॉक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं टोटल, अगर आप 11th और 12th को मिला लोगे तो 32 के करीब चैप्टर है, इसमें से ये चैप्टर है जो जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है, जस्ट यू नो डू दीज चैप्टर्स मैन, डू दीज चैप्टर्स, ओके। या फिजिक्स की तरफ आते हैं, फिजिक्स के टीचर भी मुंह लटकाए होते हैं अरे सचिन बाबा को देख लो, सचिन तो फिर स्मार्ट लगता है मेरे से, है ना, मैं कल को फिजिक्स पढ़ाऊं तो मेरे तो सिटिविटी गुल है, एक तो मैं दिखता बिल्कुल खराब हूं, ऊपर से फिजिक्स पढ़ाऊं जो कि इतना घातक सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले जस्ट राइट डाउन बच्चा पार्टी, किस किस को फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स से किस किस को डर लगता है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, फिजिक्स से किस किस को डर लगता है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कमांडर्ड
Somebody's writing, sir, आपकी शादी हो गई, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। हाँ लिखो बराबर से, फिजिक्स से किस किस को डर लगता है, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। मैं बकरे की तरह लग गए सारे। अब देखो इसके लिए क्या करना है आपको, ठीक है, आपने लिख दिया। सो आई टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए भी आप केमिस्ट्री की तरह फॉर्मूला शीट बनाओगे अपने हाथ से। अगर आप एक काम फरवरी में कर लोगे तो मेरी तरफ से सल्यूट होगा उन बच्चों को जो हार्डवर्क कर रहे हैं। नंबर वन आप शीट बनाओ, दूसरे माइंड मैप्स बनाओ, यार बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, और ये सब माइंड मैप तो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बनाने चाहिए, जस्ट मेक माइंड मैप्स एज वेल। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे टॉपिक हैं जो कि सभी जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना है ना, बहुत बढ़िया। फाइनली वेल, अब फाइनली हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 650 नंबर की स्ट्रेटेजी पे, थोड़ा और फोकस करते हैं कि और हमें क्या करना है। तो चलो थोड़ा थोड़ा चीजें और आप लोगों को समझनी है। सबसे पहले तो आपके पास समय बहुत है, पोखरियाल जी ने आपको काफी समय दिया है, तो प्लीज आप लोग एक काम करो, क्योंकि आपके पास समय है, अभी तक तो कोई एग्जाम की डेट भी फाइनल नहीं हुई है, तो इन दैट केस आपके पास मान के चलो यार 5 महीने का समय तो कम से कम है, और 5 महीने में अपनी ना आप जहां पे अटकते हो छोटी छोटी चीजें, आप बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट है ना कम से कम वो तो अच्छे से क्लियर करके जाओ। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे से कर लेते हो तो आपके 12th के चैप्टर बड़े अच्छे हो जाएंगे। सो प्लीज गो एंड जस्ट यू नो डू जीओसी, केमिकल काइनेटिक्स, ये चैप्टर करो, पीरियोडिक टेबल, मोल कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर करो केमिस्ट्री के बारे में से, तब आपकी केमिस्ट्री वैसी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और छोटे छोटे जितने भी टॉपिक है उनको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है, कैसे एग्जाम्पलर आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, डू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कैसा लिखा है केमिस्ट्री के अंदर, एग्जाम्पल से बहुत इजिली समझ में आ जाता है। उसके बाद आपके अगर पर डे आप अपने को टारगेट भी दो, छोटे छोटे टारगेट दो, समझ में आता है। और सबसे पहले तो मेन टारगेट सेट करो अपने सामने, क्या कि अगर मुझे वाकई में बायोलॉजी में सॉरी नीट के एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो मैं बायोलॉजी में बना के चलूंगा कि मेरे को 360 में से 340 नंबर लाने, केमिस्ट्री में 180 में से 160 नंबर लेके आऊंगा, और फिजिक्स में 180 में से कम 150 नंबर लेके आऊंगा। जब आप ये टारगेट बना के चलते हो आपका 650 प्लस का टारगेट आना आपका सेट हो जाता है। तो आप अपने दिमाग में बना के चलो कि मेरे को बायोलॉजी में कितने नंबर लाने हैं, केमिस्ट्री में कितने लाने हैं, फिजिक्स में कितने लाने हैं, और उसके लिए कितने सवाल करने। कई बच्चों को टारगेट सेट नहीं होता है, समझ में आ गया, टारगेट सेट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसके अलावा टारगेट सेट करने के बाद ना अपने लिए टाइम टेबल भी बनाओ। आप देखो आप अगर 7 दिन का अगर आप ढंग से देखो तो स्लीपिंग टाइम आपका 6 घंटा पर डे स्लीपिंग टाइम के हिसाब से 42 घंटा आप 7 दिन में सो, दैट इज मोर देन इनफ, इससे सोने की जरूरत नहीं है। पावर नैप आप ले सकते हो, डेली जो आपके कोर्सेज होते हैं जैसे कि फूड, बाथ, टॉयलेट, है ना, तो इनके लिए आपको 3 घंटे बहुत है, 21 घंटे दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा आपको डेली क्लासेस जो आप कहीं मान लो कहीं लाइव क्लास ले रहे हो या फिर आपको नोट्स बनाने हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, हर दिन में 6 घंटे इसके लिए देने, डेली क्लासेस भी लेनी है, अपने नोट्स भी बनाने हैं, 42 घंटे टोटल 7 दिन में इसके लिए हो गए। इसके अलावा रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीवियस, यू नो फ्रॉम प्रीवियस डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करो जो पिछले दिन आपने पढ़ा है, जो आज पढ़ा है उसको रिवाइज करो, हर दिन 2 घंटे का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर डे 2 आवर्स रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं किया तो आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। और ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करो, ईच सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आप लोगों को करने हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट को तवज्जो देनी है। इन दैट केस आपको क्या करना है, सो 7 × 2 28 घंटे इसके लिए है, तो अगर आप टोटल जोड़ोगे, और फिर उसके बाद आपके पास रिलैक्सेशन आवर्स भी है, ब्रेक टाइम, फिजिकल एक्टिविटी, उसके लिए 5 घंटे फिर पड़े हुए हैं, इनमें आप कुछ भी कर सकते हो, पावर नैप ले सकते हो, थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हो, डोले शोले बना सकते हो, समझ में आ गया, अपने उसको क्या बोलते हैं उसको, अपने बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, व्हाटएवर, अपने मम्मी से, पापा से, मतलब बात कर सकते हो, 35 घंटे उसके लिए दिए गए। और अब चाहो तो इन 5 घंटे बहुत ज़्यादा हैं आपको लग रहे हैं तो इसको पढ़ाई में यूटिलाइज कर लो, तो टोटल आपके पास 168 आवर्स होते हैं जिनको हम लोग डिवाइड कर दिए कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। और ये आपको करना है, चीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप डेली क्लासेस, रिवीजन और पीवाईक्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तो बाकी तो चीजें आपके हाथ में, तो ये इस तरह से आप लोगों को इफेक्टिव टाइम टेबल बनाना है, समझ में आया। फाइनली स्मार्ट नोट्स बनाओ, और ये तो मैंने टारगेट आपको दे दिया है, अपने हाथ से बनाओ, याद रखना आप लोग जो नोट्स बनाओगे वही आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे, वही मैप आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे। चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवाइज करो नोट्स को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन इज द की ओनली, एंड जो आपके नोट्स जो आप हाथ से बनाओगे
वो आपको मदद करेंगे, इसके अलावा किसी और के कॉपी कराए हुए नोट्स आपको मदद नहीं करेंगे। डेली रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो हमने आपके स्केड्यूल में भी डाल दिया है। तो इन दैट केस है ना, मेरा रिवीजन का पैटर्न क्या रहता था, मैंने टॉपर्स को देखा तो क्या करते हैं, पूरे दिन में जो पढ़ा रात को रिवाइज करके सो, पूरे वीक में जो पढ़ा संडे को रिवाइज कर लो, और पूरे मंथ में जो पढ़ा उनको लास्ट के दो दिन में अच्छे से रिवाइज कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना, आपका वो चैप्टर है ना बहुत कम समय में होते चले जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्विक रिकैप बहुत ज्यादा जरूरी है। एवरी डे यू हैव टू मेक स्मार्ट नोट्स एंड रिवीजन एज वेल, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। रोहित ने 40 रुपीज डोनेट किए, बेटा दिल बहुत बड़ा तेरा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को डोनेट करना है, बट बस शायद इसको अच्छा लगा होगा, पर आप कोई जरूरी नहीं है वेदांतु की को डोनेट करने की, बस इसका दिल बहुत बड़ा है बस, और आप किसी बच्चे को डोनेट करने की जरूरत नहीं है, वेदांतु आपको देगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो वेदांतु में से आपको बुलाया जाएगा, और आपको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं वेदांतु वाले, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप मेहनत करो बस, और कुछ नहीं। उसके अलावा सोल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एज वेल, आप लोग अगर आप PYQs लेके आते हो, शीट्स लेके आते हो, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने चाहिए बैठ के, और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। कई लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, और ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डू गिव मॉक टेस्ट एज वेल। समझ में आता है? सो After reading a topic, solve questions related to the topic. Topic जो आपने पढ़ा उससे related question करोगे तो आपको topic automatically समझ में आ जाएगा। ये simple तरीका है किसी भी चीज को समझने के लिए। सातवां point, weekly mock test जरूर दो, जो मैं आपको पहले ही बोल रहा था। आप कम से कम पिछले 15 साल के पेपर करो, और उसके अलावा फिर आप mock test की एक बुक लेके आओ, जो मार्केट में मिल जाएगी, आप Amazon से या किसी भी ऑनलाइन साइट से आप ऑर्डर कर सकते हो, घर में आ जाएगी, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आप लोग दो, संडे टू संडे बैठ के कम से कम 15 मॉक टेस्ट आप सोल्व करो, और 15 पिछले 15 सालों के पेपर सोल्व करो, बस हो गया। उसके बाद आप कुछ नहीं करना, आप अपने आप ही बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और उसके बाद जब आपके डाउट्स आते हैं तो आप डाउट्स के लिए क्या करो, अपनी एक मंडली बनाओ। आप टीचर से डाउट पूछ सकते हो, मे बी टीचर आपको आंसर नहीं दे, वो बिजी है कहीं और, तो आपकी एक ऐसी मंडली होनी चाहिए, दोस्त, इसको फ्रेंड सर्किल कहते हैं। फ्रेंड सर्किल भी सोच समझ के बनाओ। समझ में आता है? तो आप अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, आपके हर तरह के फ्रेंड होने चाहिए, उनमें आपके समझदार दोस्त भी होने चाहिए, जो इंटेलिजेंट हो। इसलिए कहते हैं कि सब अच्छा बोलो, है ना, बुरा बोल के किसी को दोस्त कैसे बना लोगे। तो इन दैट केस आप लोग क्या करना है, अपने फ्रेंड से, टीचर से, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, लूपहोल्स हैं, उनका जाके डिस्कस करो, और कम से कम सारे डाउट क्लियर करो, क्योंकि डाउट दिमाग में रह गए तो फिर आप उसी डाउट पे अटकोगे बार बार, और कल को वो एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे। 9th पॉइंट है, कीप काम एंड स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। हमेशा याद रखो, और इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि मैंने इसके अंदर आप लोगों को पूरी कोशिश की है मोटिवेट करने की। कुछ भी नहीं दिमाग में आए तो एक चीज याद रखना, आपके माँ बाप आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए याद रखो कि हाँ, मुझे मेरे माँ बाप के लिए करना है, मेरे पापा सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, मम्मी मेरे लिए किचन में खाना बनाती है ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी उनके लिए कुछ करूंगा या करूंगी। ये अपने आप में एक मोटिवेटिंग लाइन है यार। और अगर आप लोग वाकई में ध्यान रखना, अगर आप लोग वाकई में शिद्दत से अपने माँ बाप को नजर में रखते हुए, अपने माँ बाप की मेहनत को नजर में रखते हुए तैयारी करोगे, तो आपका नीट में सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आपके माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको देख के आप बहुत मेहनत कर रहे हो, तो ऊपर वाला भी कहेगा यार इसको तो दो, ये तो डिजर्व करता है। समझ में आता है? तो इसलिए आपसे कहता हूं, स्टे काम, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, फियर नहीं, ठीक है, अगे अरे पगले फिकर नहीं लेनी है, हार्डवर्क करना है, दैट्स इट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस इतना ही। फाइनली आपके लिए एक बहुत प्यारा सा कोट है, स्टडी लाइक देर इज नॉट टुमोरो, बिकॉज इफ यू कीप पुटिंग ऑफ योर स्टडीज फॉर टुमोरो यू विल प्रॉबली बी टू लेट। आप ऐसे पढ़ाई करो कि हमारे लिए कल है ही नहीं, क्योंकि आप बार बार अगर आप उसको टालते रहोगे ना, मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, तो भैया आपके लिए वो एग्जाम नहीं है, आप उसकी उम्मीद छोड़ दो। समझ में आता है? काफी लेट हो जाओगे उसको अचीव करने में, उस टारगेट को अचीव करने में। सो फाइनली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जाने से पहले आप में से जितने भी बच्चे इस चैट आज के इस सेशन में आप लोगों ने क्या सीखा या कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन राइट नाउ। मैं देखना चाहता हूं आप लोग क्या लिखते हो, आज के सेशन में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी या आपने क्या सीखा। मैं आपके चैट जरूर पढ़ूंगा, आप लोग लिखो अभी के अभी कि हाँ सर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। आपको आज के सेशन में हैप्पी रोज डे बेटा, समबड़ी से इनकी रोज डे, हैप्पी रोज डे बेटा। बस आप मेरी तरफ से अपने मॉम डैड को आज रोज दे देना, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है ना।
या बहुत बढ़िया, somebody is writing, या मोटिवेशन की आग, फादर मदर लव यू, लिखो आप लोग आज दिल खोल के लिखो और लाइक करो अपने मॉम डैड के लिए, और अपने मॉम डैड को आज मेरी तरफ से एक वो ना व्हाट्सएप पे रोज भेज देना, बोलना कि अरविंद सर आपको बहुत प्यार करते हैं, इसी वीडियो की क्लिप काट लो, आजकल तो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, ऐसे बोलना, मतलब मैं ही बोल देता हूँ, तो ये आज अपने पेरेंट्स को बोल देना और भेज देना है ना। तो डियर पेरेंट्स, जो अपने बच्चों के सपनों की खातिर इस कोरोना काल में भी बाहर निकल के या डू वर्क एट होम करके व्हाटएवर, जिस भी तरह से अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के सपने के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत 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 अमेजिंग हैं। और मैं अरविंद अरोड़ा आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि आप अपने बच्चों के सपने के लिए और मतलब उनके अरमानों को पूरा करने के लिए आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आज रोज़ डे है, आपके बच्चे आपको रोज़ दे रहे हैं, प्लीज़ उन्हें हक दें, मतलब वो इंग्लिश वाला हक, अभी क्लियर कर देता हूँ, प्लीज़ हक दें, उन्हें गले लगाएं और बस उन्हें बहुत प्यार दें, क्योंकि आपको वो बहुत प्यार करते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है तो जस्ट सी द चैट सेक्शन, दे रियली लव यू, है ना। तो पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग इतना कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये छोटा सा मैसेज है, तो मैंने अपने दिल से बोल दिया, अगर चाहो तो आप शेयर कर देना, और आप अपने पेरेंट्स को भी भेज सकते हो, जादू की झप्पी दे दो, अगर आप अपने मॉम डैड, कई लोगों के ना, मेरे तो मेरे पापा से 36 का आंकड़ा है, तो मैं तो अभी जैसे कहीं होता है ना कि बहुत दूरियां हैं, पर आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, लव यू डैड, लव यू मॉम, समझ में आ रहा है ऐसा, क्लियर। चलो आज का सेशन आपके मॉम डैड के लिए, जस्ट यू नो गिव देम अ हग, गिव देम अ जादू का झप्पी, है ना। देखो हिंदी भाषा कितनी प्यारी होती है, मतलब हग बोलता हूँ तो पता नहीं कैसा अजीब सा लगता है, पर हिंदी में वो जादू की झप्पी दो उनको, मामू जादू की झप्पी, यस, तो उनको जादू की झप्पी देने का है, ठीक है। आज सारे बच्चे आज अपनी मॉम डैड को, मॉम डैड के लिए लाइक करेंगे, मॉम डैड के लिए यहाँ पर जादू की झप्पी देके आएंगे, और उन्हें व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे कि अरविंद सर ने आपको बहुत धन्यवाद बोला है, एंड सर मेरी तरफ से दुआएं हैं, सलाम है आपको, और बहुत बहुत प्यार है आपके लिए, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए बहुत 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 अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को भी ध्यान रखना है, वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बस इतना याद रख के आप लोग अच्छे से नीट का एग्जाम फोड़ के आओ, बस अच्छे से नीट का एग्जाम दो। फाइनली जाते आते आपसे कहूंगा, अगर आप लोगों को लगता है, आपके पेरेंट्स को लगता है, तो वेदांतु के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 7,000 रुपए है, पूरे क्रैश कोर्स की, वो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपने मॉम डैड को राजी करो कि अगर आपको लगता है कि मेरे मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन होती है, देन 120 सेशन में पूरा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप लोग यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, दैट्स मोर देन गुड, बट अगर आपको लगता है डिस्ट्रैक्शन होता है, मॉम डैड को लगता है डिस्ट्रैक्शन होता है, देन यू कैन ज्वाइन वेदांतु प्लेटफॉर्म एज वेल, क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, 120 सेशन में पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा, फुल टाइम पार्ट टाइम टेस्ट होते हैं, डाउट सोल्व किए जाते हैं सुबह से लेकर रात तक, और आप टीचर से बात भी कर सकते हो, और इसके लिए आपको क्या करना है, दैट्स वेरी सिंपल, 7,000 रुपीज का पूरा क्रैश कोर्स है, सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दैट, अगर आपको ज्वाइन करना है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, दैट्स वेरी सिंपल, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, अभी दिस इज द वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये नीट का क्रैश कोर्स है, बाय नाउ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपके पास यहां पर कूपन कोड आएगा, अगर आप यहां पर कूपन कोड अप्लाई करेंगे AA2021, कूपन कोड मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, AA2021, या तो ये अप्लाई कर सकते हैं या फिर AANEET AANEET वो अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करो, आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट, 3,000 का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आप लकी हो, आप ले सकते हो, कब नजर पड़ जाए, क्योंकि वो डिस्काउंट अभी तक मेरे पे नजर पड़ी नहीं है, बंद हो जाएगा कल, तो अगर आप चाहो तो अभी ज्वाइन कर सकते हो, जिसको आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM, EMI, Paytm, Amazon, किसी से भी ज्वाइन करो, वेदांतु के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो, दैट मे हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन, ताकि आपके माँ बाप के सपने जल्दी पूरे हो सके, जो मेहनत कर रहे हैं वो लोग उसको साकार कर सको आप, है ना। सो डिस्काउंट 20% ही था, लेकिन आपको मैं अलग कूपन दिया हूं, दैट इज AA2021, इसको अप्लाई करो, 3,000 का डिस्काउंट मिलेगा, और ये अप्लाई करोगे तो 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपकी मर्जी है, वैसे ऑब्वियसली आप भारतीय इतने तो समझदार हैं, तो हम लोग 7,000 में करेंगे ना कोर्स। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फ्री क्लासेस मिलेंगे, और ये वो बच्चे हैं जो हमारे वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे पढ़ के इन्होंने सिलेक्शन करवाया, अगर आप मेहनत करोगे वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे, तो शायद आपकी फोटो भी यहां पर लगेगी, है ना। एंड मेरे प्यारे बच्चों, टेलीग्राम का ग्रुप है वेदांतु नेट ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां से आपको PDF वगैरह मिलेगी, एंड फाइनली अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अपनी फैमिली अपना परिवार है, याद रखना, परिवार
YouTube चैनल नहीं है, ये परिवार है और इसे आगे बढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 मिलियन तक जाने वाले और आप लोग लेके जाओगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। अब आराम से जाके सो जाओ, टारगेट सेट करो, कल मिलते हैं। ए स्क्वायर के लॉयंस, या हम कर दिखाएंगे, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, हम कर दिखाएंगे। चलो बाय।